जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीटेट एग्ज़ाम का आंसर की आने के बाद आप किस तरह से अपना क्वेश्चन पेपर को आंसर से मिलान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि CBSE आयोग के द्वारा केवल क्वेश्चन को डिस्प्ले पर दिखाया जाता है, जिसको आप डाउनलोड करेंगे, केवल क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक। और उसके बाद आंसर शीट डाउनलोड करेंगे, इसमें इस तरह से रहेगा कि एक का ए, दो का सी, तीन का डी, इस तरह से है ना, चार का बी, इस तरह से जो है ये आंसर शीट रहेगा। और इस आंसर शीट से इस डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर को मिलाएंगे, डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर को मिलाएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही जाएगा। क्या ए, ए पहला क्वेश्चन का ए आंसर है तो इसमें ए लगाएंगे। उसके बाद इस डिस्प्ले पेपर से आप अपना रिस्पॉन्स शीट से मिलान करेंगे। एक रिस्पॉन्स शीट भी डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी आपको CBSE वेबसाइट से डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और रिस्पॉन्स शीट, ये तीन प्रकार का जो है पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट को मिलान करेंगे और उसके बाद मिलान करने के बाद अपना रिस्पॉन्स शीट से देखेंगे कि क्या डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर में पहला का आंसर ए था, तो क्या मेरा भी, मैं भी पहला चुना हूँ कि नहीं चुना हूँ। यहाँ पे चूजन ऑप्शन रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कौन सा ऑप्शन आप चुने हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट और रिस्पॉन्स शीट। डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट को मिलाएंगे, उसके बाद आप जो है अपना रिस्पॉन्स शीट से मिलाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह का जो है डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर होता है, किस तरह का रिस्पॉन्स शीट होता है, ठीक है। वीडियो बने रहिए। देखिए ये जो है, ये आप जैसे ही डेट डालेंगे, डेट टाइम ये यहाँ पे देखिए, तो ये जो है पेपर वन पेपर टू लिख करके आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे पेपर वन हिंदी एंड संस्कृत, आपका जो भी लैंग्वेज रहेगा, जैसे ही डेट डालिएगा, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा इस पेपर को। इस पेपर में आपका केवल क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये जो है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर का। तो ये देखिए, ये केवल क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर है, ये क्या है, डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद आप क्या चुनेंगे, देखिए आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखा दिए हैं, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स शीट, रिस्पॉन्स शीट किस तरह का होगा। देखिए ये जो है आपका रिस्पॉन्स शीट है, आपने जिस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन चुना है, यहाँ पे देखिएगा क्या ऑप्शन चुना है, बगल में आपका लिखा हुआ रहेगा कि किस तरह का क्वेश्चन का क्या ऑप्शन, मतलब कि आप चुने हैं। तो ये रिस्पॉन्स शीट हो गया, ठीक है। इस तरह का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहीं पे पहले डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आंसर शीट, उसके बाद रिस्पॉन्स शीट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपको मिलान करना है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, ये दोनों को मिलान करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है सही होगा उस डेट में, ठीक, उस डेट में कौन सा क्वेश्चन सही होगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है मेरा रिस्पॉन्स शीट में कौन सा आंसर है उससे मिलान करेंगे। तो ये मिलान करिएगा इस तरह से। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।